स्वागत है आपका। हमारा ये कार्यक्रम आगे पीछे होता रहा, लेकिन चलो अच्छे मौसम में हो रहा है, बहुत बढ़िया। भारत माता की जय। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले पार्श्व गायक मोहित चौहान ने आज शिमला में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रोजेक्ट बजरंगी और निवेश हिमाचल के लिए अभियान के तहत कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए सरकार को 3 करोड़ की सामग्री समर्पित की, जिसको मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ने मदद के लिए मोहित चौहान का आभार जताया और कहा कि कोविड से लड़ाई लड़ने को सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। पार्श्व गायक मोहित चौहान की इससे पहले भी कोविड में प्रदेश और देश में जरूरतमंदों की मदद की गई है। आज जो सामग्री दी गई है उससे कोविड से लड़ाई लड़ने में प्रदेशवासियों को काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं इस मौके पर पार्श्व गायक मोहित चौहान ने सरकार की कोविड से लड़ने में प्रबंधनों की प्रशंसा की और कहा कि वे हिमाचल के बेटे हैं और इस कोविड के संकट में सभी को लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, तभी इस महामारी से लोग बच सकते हैं। भविष्य में भी प्रदेश सरकार के साथ मिलकर लोगों की मदद करते रहेंगे। मैंने कहा कि फिल्म मैंने पूरी तरह से देखी नहीं, मैं उस संदर्भ में मौका लगेगा तो मैं मैंने कहा कि फिल्म मैंने पूरी तरह से देखी नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत जानी। भावना इस बात के लिए सदैव रही कि मैं अपने प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी जहाँ जहाँ भी आप काम करते हैं, जिन साथियों के साथ काम करते हैं, उन सबके साथ मिल करके कैसे मदद कर सकूं। इस सिलसिले में हमारी कई बार बीच में वार्ता भी हुई, फोन पर बातचीत भी हुई, चर्चा भी हुई। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां कोविड के इस दौर में बहुत सारे लोगों ने हमको मदद की, क्योंकि सारी चीजें सरकार के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाना, लोगों के लिए करना शायद संभव नहीं हो पाता अगर लोगों के हाथ अगर आगे नहीं बढ़े होते हैं। और उसी दृष्टि से एक बहुत सुंदर पहल जो है वो मोहित चौहान जी ने जो जिस प्रकार से की है, मैं इनका हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि कोविड की सारी सिचुएशन में इस बात से आप लोग अच्छी तरह से अवगत हैं कि तीसरा फेज जो है ओमिक्रॉन का, ऐसा लगता है कि अब उस दौर में से हम बाहर निकलने की स्थिति में आ पा रहे हैं। लगभग 400 के करीब अब मामले, 392 टोटल केसेस रह गए, एक्टिव केसेस रह गए। फिर भी आज की तारीख में भी ऐसा नहीं है कि अभी कोविड के केसेस आ नहीं रहे, आ रहे हैं। जो व्यवस्था हम सरकार के माध्यम से हम खड़ी कर सकते थे उनकी जीवन की रक्षा के लिए, उनको मदद करने की दृष्टि से, वो हमने की है। लेकिन उसमें ऐसे दानी सज्जनों की ओर से जो सहयोग मिला है, उसमें मोहित जी का हम जहां धन्यवाद करते हैं, वहां इस बात के लिए भी हम जरूर कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली मर्तबा नहीं है। आपको शायद मेकल में चीज़ों को हम साझा नहीं कर पाए, शेयर नहीं कर पाए। इससे पहले भी जब कोविड का फर्स्ट फेज सेकंड फेज आया तो उस वक्त भी इनकी सक्रिय भूमिका रही, किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ ये भेजते रहे। लेकिन ठीक बात है कि हम मीडिया के समक्ष नहीं थे उस तरह से, जिस तरह से आज हम बैठे यहाँ। फिर हमने ठाकुर साहब से बात करी, सीएम साहब से, हमने कहा भी हम अब एक आपके माध्यम से बड़ा एक रिलीफ जो कंसाइनमेंट है वो हम चाहते हैं कि आप जहाँ जहाँ लगता है कि जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ लोगों को इन चीज़ों का ज़रूरत है उनकी तकलीफ़ों की वजह से, तो आप इसमें हमारी मदद के। तो ही वॉज रियली काइंड, यू नो, इन्होंने कहा कि आप आइए और हम इकट्ठे मिल के इसको करते हैं। तो ये एक हमारा मूवमेंट रहा, कोविड के पहले दौर से शुरू हो गया था। तो हिमाचल का बेटा होने के नाते मेरे को ये बहुत लगता था और प्रार्थना जी को हमको ये, हम बात करते थे जब ये कोविड का टाइम शुरू हुआ, बहुत मुश्किल वक्त था, पूरी दुनिया में रहा इसका प्रभाव, और हिमाचल जो है हमारा
स्टेट है, इसमें दुर्गम जगहें हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो हमको लगा कि हमको हिमाचल के लिए, खास करके लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए। और हमने जब कोविड का ये काल शुरू हुआ तो हमने दिल्ली में था मैं, और हमने अपना एक कार्यक्रम बना के बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे हमने हेल्प करना शुरू किया, जिसमें कि जो कोविड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि मास्क होते हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और भी बहुत सारी चीज़ें, फूड पैकेट्स, तो ये पहले कोविड में हमने शुरू किया, बल्कि दिल्ली में हम थे तो दिल्ली पुलिस के लिए भी हमने उस टाइम किया, और फिर हिमाचल से हमें बहुत सारे आग्रह आने लगे इंडिविजुअल तौर पे, पर्सनल तौर पे। मुझे लोगों ने मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे रिक्वेस्ट भेजने शुरू किए, क्योंकि उनको सोशल मीडिया से मालूम पड़ा कि मैं ये हेल्प कर रहा हूँ, लोगों की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ।